हे फोक्स, दिस इज तेजस कमलकर और आज मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ एक सीवियर केस में हम कान कैसे साफ कर सकते हैं कुत्ते के, जिसके मतलब कोई निगलेक्टेड डॉग है मेरे पास, एक कैंडिडेट है अच्छा, तो उसके मैं आपको कान साफ करके दिखाऊंगा और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये सारे चीज़ें। ये है सैलिसिलिक एसिड ईयर क्लीनर स्पेशली फॉर डॉग्स। फिर आई विल नीड सम कॉटन, ये कॉटन है अपना, और ये है क्यूटिप्स। ये यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, लोग सजेस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में ये मतलब जहाँ पे गंक है जो बहुत क्रेवाइसिस में जाके बैठ चुका है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये केयरफुली कैसे यूज़ करना है ये मैं आज आपको डेमोंस्ट्रेट, मैं आज की वॉलंटियर से मिलाता हूँ। ये हमारी वॉलंटियर है आज की, हर नेम इज़ बेटी, ये आज ही आई है हमारे पास। पहले तो इसको खोलते हैं, वी हैव दिस the bottle, this is a 100 ml Virbac bottle. I will open this. It has a seal जो इस तरीके से खुलता है, इस पर zoom करो, इस पर यह ऐसा seal खुलता है। फिर हम इस पर यह इनका दिया हुआ ढक्कन install कर रहे हैं। And this is how it opens. Yeah, we are ready to go. Now, this is the beautiful baby. फिर ओके, आई कैन ट्रस्ट हर इनफ। अभी काट ही लेगी तो काट लेगी, अभी क्या कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम इसका ईयर देखते हैं, थोड़ा जूम कर सकते हैं ईयर में। तो इसमें जो क्रेवाइसिस है इसमें बहुत डर्ट है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। इसमें जो क्रेवाइसिस है इसमें बहुत डर्ट है, अंदर अगर आप देखेंगे तो डर्ट से भरा हुआ है। अंदर देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, सेम विद दिस ईयर। ये देखिए यहाँ पे तो बहुत, ये एक्सटर्नली भी गंदा है बहुत, इसमें ये मिट्टी भी है इसमें, ठीक है। और अंदर देखेंगे ठीक है, तो वैक्सी सब्सटेंसेस है। तो दिस प्रोडक्ट विल हेल्प द वैक्स टू कम लूज, ताकि हम उसको ईजिली निकाल सके, कुत्ते को ज्यादा तकलीफ ना हो। तो लेट्स डू दिस। पहले तो इस पे ही डालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा वैक्स है, मुझे यहाँ का भी निकालना है। पूरा बॉटल अंदर करके अंदर ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर भी डालना है ऑब्वियसली, लेकिन इतना भी नहीं डाले कि डॉगी को तकलीफ हो, ठीक है। तो ये पहले एक साइड का ही कंप्लीट करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे लाइटली मसाज करना है यहाँ पे, ठीक है। इधर मुझे से लाइटली, बहुत एग्रेसिवली कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है डॉग का, तो यहाँ पे एक लाइटली मसाज करना है। एंड आई थिंक दिस बेटी इज ऑल्सो एंजॉइंग इट, ठीक है। आर यू एंजॉइंग दिस स्वीट हार्ट? या सो हम इसको लाइटली मसाज कर रहे हैं। ये कुत्तों के ईयर केनाल जो होते हैं ये ऐसे, लोगों को लगता है ये स्ट्रेट ऐसे इनवर्ड्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये कुछ इस तरीके का होता है, स्ट्रेट एंड इनवर्ड। तो यहाँ पे ये ऐसा जाएगा और अंदर जाएगा, तो इसकी वजह से ये लिक्विड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंदर तक जाके क्लीन करता है और असली मैल वो अंदर वाली जो लाइन है उसमें होता है। तो लेट अस सी ये कैसे हमें हेल्प करेगा। आई एम जस्ट, ये देखो मुझे आवाज़ भी आ रही है थोड़ी, थोड़ा मैंने कर लिया है। नाउ आई विल टेक द कॉटन फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव कॉटन विथ मी। मैं पहले तो कॉटन से ये ऊपर ऊपर का क्लीन कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर का क्लीन किया मैंने, ये देखिए। सिर्फ ऊपर में इतनी गंदगी आई, ठीक है। अभी ये देखो, ये अंदर का जो गंक है ना यहाँ पे अपना उंगलियाँ अपन डालना सही नहीं होगा, या फिर कॉटन डालना भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्यूटिप से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये वाला जो क्रेवाइस में अभी गंक है, देखिए मैंने अभी कॉटन से क्लीन किया था फिर भी ये निकला नहीं, ये देखो
ये निकला नहीं है क्योंकि ये कॉटन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा. तो फॉर दैट वी नीड अ क्यू टिप. सी द गंक इनसाइड. कॉटन डजंट रीच देयर. या दिस इज बेटर. सी यहाँ पे कॉटन नहीं पहुंच सकता. मेरी उंगलियां मोटी है, ये अंदर जाएंगी तो इसको तकलीफ देगी. तो ये सब अपने को क्यू टिप से निकालना. ये भी मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. आर ब्यूटिफुल कैंडिडेट इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव एज वी कैन सी. बीबी थम. सी नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस क्रेवाइस टू यू. सी यू हैव टू यूज इट लाइक दिस. ये बहुत अंदर तक है तो इनको ऐसे क्लीन करना है. ठीक है, ये वाला पीस देखिए. लुक एट द डर्ट बॉयस. ये है, दिस इज द रीजन कि क्यू टिप इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू डिस्कार्ड दिस एंड वी हैव टू यूज द अदर एंड. वन मोमेंट. देयर इज अ लॉट. सी See, look at this boys. Q-tip का एक ही चीज है जो अपने को ध्यान देना है कि ये जो डर्ट है जब हम Q-tip इंसर्ट करते हैं तो इसको अंदर इंसर्ट करके ये डर्ट अंदर दबना नहीं चाहिए आपसे. ये होल है समझिए आपका, तो इसमें ये Q-tip ऐसा जाके ऐसे आपको इधर टच करना है एच पे और फिर ऐसा खींचना है. आप अगर होल छोटा और इसमें अगर आपने दबा दिया इसको सीधा तो ये डर्ट अंदर घुस जाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको Q-tip अंदर डाल के इसको दबाना है एक साइड में और फिर इसको निकालना है. जस्ट लाइक यू स्कूप इट आउट विद अ Q-tip, नॉट पुश इट इनसाइड. इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू डू दिस वेरी वेरी ऑफन, एटलीस्ट वंस एवरी मंथ. लुक एट दिस. तो यही इन्फेक्शन का कारण बनता है आगे जाके. आपके ईयर कनाल में ये अंदर अंदर जाते रहेगा. दिस विल होल्ड ऑन टू द माइक्रोब्स. दिस इज अ वेरी नाइस ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया. दिस इज अ वेरी नाइस मीडिया फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो. एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द डॉग, फॉर द ईयर, द इनर ईयर. एंड देन इट विल देन प्रोबेबली द इन्फेक्शन में स्प्रेड फर्दर इनसाइड इवन टूवर्ड्स द ब्रेन. सो अभी मेरा ये Q-tip से क्लीनिंग काफ़ी हो गया है. तो अभी जो एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर अंदर है तो आई एम जस्ट यूजिंग अ कॉटन टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ दैट. आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस. शी इज काइंड ऑफ एंजॉइंग इट. इफ यू कैन सी हर एक्सप्रेशन, शी इज हैविंग दैट गुड फीलिंग. शी इज कोऑपरेटिंग वेरी वेरी नाइसली. शी इज अ ब्यूटिफुल बेबी. सी मेरा इतना क्लीनिंग करने के बाद भी इतना डर्ट था उसमें अभी भी. सी दिस इज ऑल द डर्ट ऑन द सेकेंड ईयर. दिस ब्लैक इज ऑल डर्ट. ओके नाउ लेट मी शो यू इनसाइड. सी ये जो डिफिकल्ट क्रेवाइसेस होते हैं ना, इसमें कॉटन जाता नहीं है. ये दिक्कत है. लेकिन आपको याद रखना है, इसको यहाँ से जो ईयर कैनाल है वहाँ पे Q-tip दबाना नहीं है. दिस इज द फेयर वार्निंग आई एम गिविंग यू इन एडवांस. ठीक है, आई जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस वन. सो द सेम प्रोसेस आई एम गोइंग टू पुट सम ऑफ इट ओवर हियर. यहाँ पे भी बहुत डर्ट है. बहुत ज़्यादा लिक्विड मत यूज़ कीजिए. ठीक है, एंड वन मोर थिंग टू टेल यू कि अगर समझिए आपको पता है कि आपके डॉग के किसी एक ईयर में इन्फेक्शन है, जैसे होता है जनरली, और वो आपको पता चलेगा कि ये जो वैक्स है उसमें से बहुत फाउल स्मेल आएगा, कुछ अजीब सा गंदा स्मेल आएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसके वो पर्टिकुलर कान में इन्फेक्शन है. तो अगर वो केस है तो आपको याद रखना है, अगर आप वो कान साफ कर रहे हैं और वो ख़त्म करने के बाद अगर आप दूसरे कान पर अगर जा रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू यूज़ ग्लव्स, यू हैव टू यूज़ सैनिटाइजर्स. आपको पहले आपके ग्लव्स, फिर अगर आपने लेफ्ट कान पे अपने जो अफेक्टेड कान है उस पर काम किया है तो आपको वो ग्लव्स डिस्कार्ड करने पड़ेंगे. यू हैव टू सैनिटाइज योरसेल्फ, योर हैंड्स, एंड ओनली देन यू कैन मूव ऑन टू द हेल्दी ईयर.
नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो इन्फेक्शन था समझो लेफ्ट ईयर वाला, वो आपको यू विल योर सेल्फ ट्रांसमिटेड टू द राइट ईयर अनोइंगली विद योर ग्लव्स और विद योर बेयर हैंड्स लाइक दैट। सो मेक श्योर कि जो इन्फेक्टेड ईयर है उसको और जो गुड ईयर है उसके बीच में आपको आपको हाथ सैनिटाइज करना, ग्लव्स चेंज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ यू फाउंड एनी फाउल स्मेल, अगर आपको कुछ गंदा स्मेल आ रहा है आपके डॉग से, डॉग के ईयर से, आपको लगता है अगर आपका डॉग इन्फेक्टेड है या फिर आपको कुछ पस जैसा या ब्लड जैसा कुछ निकल रहा है आपके डॉग के कान से, तो डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, विजिट अ प्रॉपर वेट इमीजिएटली। ये इन्फेक्शंस आगे आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही फास्ट बढ़ सकते हैं। सो रिमेंबर दैट, विजिट योर वेट इफ़ यू फाइंड समथिंग फनी विद द डॉग्स हियर। सो द वर्क इज डन, द ईयर्स आर क्लीन, एंड इफ यू कैन जूम इन आई कैन, वी कैन शो द रिजल्ट। कान साफ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। काय चलो पिल्लू काय चलो, शी इज अफ्रेड ऑफ द कैमरा बट यू कैन सी। अरे एक मिनट, हाँ इट्स क्लीन, ओके। ऑल द क्रिवाइसिस आर बीन एड्रेस्ड, सारे कोनों में हम पहुँच गए हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी पिंकी दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, ये देखो सारे क्रिवाइसिस एकदम क्लीन है। दिस इज ऑल, इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू डू इट रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली ये सारी चीजें करते हैं तो इतनी गंदगी आ नहीं सकती आपके डॉग के कान में, और आपका कान हमेशा डॉग का हेल्दी रहेगा फॉर हिज लाइफ। सो मेक श्योर यू डू इट रेगुलरली। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट वंस एवरी मंथ, महीने में एक बार तो करना चाहिए कम से कम। और दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी पेटिंग, एंजॉय पेट्स।